हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई चैनल। तो गाइस देखो, आज हमारा घर ना पूरा फैला पड़ा है। ये देखो क्या हो रहा है, हमारे घर में आज पेंट का काम शुरू हो गया है और यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं। आज हमने बनाए थे बेसन के चीले भी, ये देखो कितने टेस्टी लग रहे हैं। हम नाश्ता कर रहे थे और मैंने सोचा चलो अब आपको बता देते हैं आज क्या चल रहा है हमारे घर में। ये देखो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। पूरा घर बिल्कुल फैला हुआ है एकदम, और यहाँ पेंटिंग का काम चालू है। आज से स्टार्ट हो चुका है, अब दिवाली आने वाली है, त्योहार आ गए हैं बस। तो पूरा घर देखो कितना बिखरा बिखरा सा, यहाँ पे मंदिर हमने लगा दिया है और अब जल्दी जल्दी से सफाई हो जाएंगी। देखो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। थोड़ी धूल भी उड़ रही थी और हम अभी नाश्ता करने बैठे हैं। ये रहा हमारा नाश्ता, तो कर लेते हैं हम फ्रेश नाश्ता। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज देखो, ये वाला कमरा तो बिल्कुल फाइनल अच्छे से हो चुका है। 3-4 दिन हो गए हैं हमारे घर में पेंट का काम चल रहा है और हमारी पूजा भी हो गई है अच्छे से। और ये देखो, ये वाला कमरा बिल्कुल कुछ इस तरीके से हो गया, साफ सुथरा एकदम मस्त। और यहाँ पे जो दीवार थी ना, यहाँ पे पहले ग्रीन दीवार थी, अब इस पे शायद से वॉलपेपर हम लगवाएंगे। इस वाली दीवार पे वॉलपेपर लगेगा और फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे दोबारा से। और आज इस कमरे में 4 दिन लग चुके हैं फ्रेंड्स, और अभी नवरात्रे भी आने वाले हैं और हमारा घर बिल्कुल फैला हुआ है। यहाँ पे हो रहा है अब काम, और ये देखिए इस जगह पे भी काम हो रहा है। किचन का एरिया है ये, यहाँ पे बर्तनों का रैक लगा हुआ था, सब गंदा हो रहा है देखो। और अब ये सारा साफ हो जाएगा, यहाँ पे पूरी जगह पे पेंट हो जाएगा। बस अभी धीरे धीरे लगे हुए हैं भैया, 4 दिन हो गए कम से कम करते हुए काम को। और पूरा घर हमारा भी बिखरा बिखरा हो रखा है बिल्कुल ही। और ये देखो हमारे किचन के बर्तन भी सब धुल चुके हैं, जो हमारे बर्तन के रैक में लगे हुए थे ये सब। और ये बर्तनों का रैक हमने धो के सुखा दिया है यहाँ पे, ताकि जब सफाई हो जाएगी तो हम लगा देंगे बर्तनों को। और खाना भी हमारा ऐसे ही रखा हुआ है, बना लिया था खाना हमने। और ये वाला रूम भी पूरा साफ होएगा, इसमें भी पेंटिंग का काम होगा। अब देखते हैं कितने दिन में लगेगा, कितने दिन में होएगा ये सब काम। आज 4 दिन हो चुके हैं, अभी तो फिलहाल यही काम हुआ है, ये भी अभी हो रहा है धीरे धीरे। वो देखो वहाँ पे पीओपी खड़ चुकी है, ऐसा वो रखा था यहाँ पे, वहाँ पे ये ऐसे हो गया, टूट चुका है ये सारा एरिया। गोल गोल जो था ना यहाँ पे, ये ऐसा था पहले। तो देखते हैं अभी ऐसे ही रहेगा या फिर वो लगा देंगे। लगाएंगे तो नहीं, खैर उसको तो आता ही नहीं लगाना भैया को। और ये वाली जो टेबल ना, ये बहुत दिनों से हम देखते हैं ना, आज इसको हम हटा देंगे इसको भी। ये बहुत पुराना हो चुका है और अब अच्छा भी नहीं लगता हमको ये, तो ये भी हम हटा देंगे आज सारा। एक छोटा सा रखेंगे टेबल बस, और थोड़ी सी सेटिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, ताकि थोड़ा खुला खुला साफ सुथरा और अच्छे से लगे हमें। बाकी चल रहा है काम धीरे धीरे, देखते हैं कितना दिन लगेंगे इसके अंदर। जब ये सब हो जाएगा जब दिखाएंगे हम आपको। बाकी अभी तो सब गंदा ही है, सब साफ सुथरा हो जाएगा। अब त्योहार तो आ ही गए हैं लगभग, नवरात्रि शुरू होने वाला है 2-3 दिन बाद। और बस ये वाला रूम ही चमका है फिलहाल तो। चलो फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मिलेंगे हम आपको, देखते हैं क्या होने वाला है। खाना वाना तो हमने खा चुके हैं। और यहाँ पे हम देख रहे थे, ये विजयरिया व्लॉग का देख रहे थे, ये बिहार का बंदा है, बिहार का एक यूट्यूबर है ये बहुत पैसे कमा रहा है और सभी को अपने गांव वालों को यूट्यूबर बना दिया। हम वो देख रहे थे कि भाई देखो ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज हमें भी आप, ये देखिए इसकी शक्ल, ये बहुत ज्यादा मतलब काफी कमा रहे हैं पैसे, मशहूर यूट्यूबर है ये। और हमारा लक्की यहाँ पे बैठा हुआ है, आज स्कूल नहीं गया और बस रोटी पी के बैठा हुआ है यहाँ पे। लक्की ना पूरे दिन भर जब फिटरी रहती है या वैसे भी ऐसी चीजें कुछ खा भी, जब भी चिप्स कभी कुछ ऐसे खाता पीता रहता है बस, खाना मत। गाइस देखो, आज हम जब किचन क्लियर कर रहे थे ना, किचन में से देख रहे थे ना एक्स्ट्रा बर्तन, तो ये हमें इतनी प्यारी सी केटल मिली है। और जब भी हमें ये मिलती है ना, जब किचन की सफाइयाँ करते हैं, तो हम सोचते कि इसमें हम चाय भर के बना के पियेंगे। और कोशिश करेंगे हम अब के हम इसमें सच में चाय बना के और दिखाएं आपको, पिए अपने और आपके लिए। आपको भी पिलाएंगे हम चाय इसके अंदर, अगर आप आओगे देखोगे तो हमारी वीडियो को, तो आप भी टेस्ट कर सकते हैं हमारी चाय को इसके अंदर। और बाकी सब बर्तनों को भी अच्छे से धो लिया गया है, चमक चुके हैं सारे बर्तन हमारे। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखो
ये कुछ कुछ ग्लासेस ऐसे छोटे रखे हुए हैं जो कि हमारे घर में कुछ काम के नहीं होते हैं, बट हमने ऐसे शो पीस के तौर पे रखे हुए हैं इतने छोटे ग्लास। हम इनका यूज़ क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है हमको। बाकी हमने तो सिर्फ ऐसे ही ला के रखे हुए हैं ग्लास, और दो और हैं हमारे पास ये सेम ग्लास, और बस ये इसमें वैसे चाय बहुत टेस्टी लगेगी देखने में तो, है ना फ्रेंड्स। तो देखेंगे कभी, अभी आजकल में हम इसमें बनाएंगे चाय फिर दिखाएंगे हम आपको, सच में टेस्टी लग रही है ठंडी। पहले तो ये देखेंगे कि इसमें कितनी देर तक गर्म रहती है चाय, कहीं ऐसे ही हो तो हमारा पोपट ही हो जाएगा फिर तो, या फिर शो पीस टाइप हो या शिकंजी वाली होगी मेरी। तो फ्रेंड्स काम तो हो ही रहा है हमारे यहाँ पे, और पता है मेरी सिस्टर 3-4 दिन से जा ही नहीं रही कहीं, वहाँ पे जाती है ना कोर्स के लिए, तो ये देखो यहीं पे कपड़े वपड़े सुखा रही है, वो काम में ही लगे पड़े हैं हम। और कुछ 2-3 दिन से तो हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, काम बुखार ये सब हो गया था, और इस बीच में ये काम, बस हम इतने ज़्यादा बिजी हैं और थके हुए भी हैं, बुखार बुखार की हालत है, थोड़ी कमजोरी भी फील हो रही है, साथ ही साथ हमारा काम भी चलता जा रहा है। ये लक्की देखो किस उधेड़ बुन में लगा हुआ, भाई तू इसको तोड़ेगा क्या ये लक्की, नहीं सुबह से आज उसके पीछे लगा हुआ, क्यों भाई मत खोल उसको सारा टूट जाएगा। और भैया लगे हुए हैं काम पे, ये देखो वो लगे हुए हैं धीरे धीरे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसमें, कर रहे हैं भैया काम आराम आराम से। ये लगा कब तारी क्या करके मानेगा, क्या करेगा भाई तू आज लक्की बोले वीडियो प्लीज, ऐसे नहीं करते लक्की, सारी चीजों को खराब नहीं करते। लक्की ने हमारा आज छुट्टी कर ली ना, पता नहीं क्या इंजीनियर बना पड़ा है, और बस ऐसे बोरिंग डे है थोड़ा, सफाई भी नहीं कर सकते ढंग से क्योंकि एक ही बार सफाई होगी ना, और बाहर धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है तेजी, कभी बीच में तो मौसम ऐसा हो गया था एकदम ठंडा ठंडा सा सुबह का टाइम है ना, और अब फिर से गर्मी गर्मी सी लगने लगी है, दोपहर में तो काफ़ी तेज़ धूप हो रखी है, वो कितनी चमचमाती हुई धूप है, और गली में बिल्कुल सन्नाटा, कुछ कुछ लोग हैं बस, वो भी कहीं जा ही रहे हैं, और बस ये हमारा घर सूख चुका है बिल्कुल। चलो देखते हैं कब तक ये काम ख़त्म होगा, और इन भाई साहब को देखो जरा, सबको यूट्यूबर बनाने में तुले पड़े हैं, सब गरीबों को यूट्यूबर बना रहे हैं ये भैया, खुद भी एक गरीब थे बहुत ज़्यादा, अब तो थोड़े ठीक ठाक हो गए। और ये देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे यहाँ पे फूल, ये लक्की ने सजावट करी थी यहाँ पे थोड़ी सी, अंदर से लेके आया, अंदर लगे हुए थे ये कमरे में, और जब सारा घर अच्छा चमक 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 जाएगा ना, कुछ नया देखने को मिलेगा, वो हम आपको फिर दिखाएंगे, डेली वैसे दिखाएंगे हम थोड़ा थोड़ा क्या क्या होता है। पहले वाली वीडियोज़ में देखना आप कैसे था हमारा घर, और फिर उसके बाद देखना कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा तो चेंज आएगा ही, कुछ तो चेंज आएगा ही, क्योंकि जब पेंटिंग का काम होता है तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ ही जाते हैं घर में। तो और हमने जो जाल हटवाया था वो तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाके पिछली वाली वीडियो में देख लीजिए, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको कौन सी जगह पे था जाल, ये उधर था जाल था, तो वहाँ पे ना हटवा दिया हमने उस जाल को, क्योंकि उसकी वजह से हमें सफेदी करानी पड़ी, फिर हमें पेंटिंग करानी पड़ी। वैसे तो 3-4 साल हो चुके थे, हमारा पेंट ना वॉशेबल पेंट है, ये साफ हो जाता है अच्छे से, धुलाई साफ करते हैं ना इसमें तो हो जाता है। और ये देखो जरा हमारे बच्चे ना कभी कुछ ऑनलाइन मंगाते रहते हैं, ये देखो स्मार्ट वॉच, यहाँ पे हमारे तीनों बच्चों के पास स्मार्ट वॉच है, और ये सब मंगाते रहते हैं, और ये लक्की ना इन सबको खोल खोल के बैठा हुआ है बिल्कुल, पता नहीं क्या ऑपरेशन करने में लगा पड़ा है सब चीज़ों का, कभी उसमें लगा हुआ था अभी गायब हो गया, यहाँ से उठ के गया चोर करने शातिरी, छुट्टी वाले पूरे दिन शातिरी करता रहता है, कुछ ना कुछ छेड़खानियाँ करता रहता है। और बस फ्रेंड्स मिलेंगे आपको थोड़े टाइम बाद, देखते हैं क्या होता है, अभी बच्चे दोनों आने वाले हैं स्कूल से घर, फिर बताएंगे आपको क्या आगे का क्या सीन है। ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में हम। ये देखो फ्रेंड्स लक्की देखो आ चुका है, और पता नहीं क्या करने में लगा पड़ा है, ये देखो ठोका ठोकी करने में लग रहा है, हालांकि कुछ होने वाला है नहीं इससे, फिर भी लगा हुआ देखो। ये देखो जरा ऊपर गया था हमारे ऊपर वाले रूम में ना, वो टूल किट रखी हुई है, तो कान में ईयरफोन्स लगा रखे हैं और अपना लगा पड़ा है बस कुछ ना कुछ ठोक ठोक के। ये देखो इसकी शाती, इसको पता नहीं है मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, इसने ना कानों में अपना ईयरफोन लगाए हुए हैं और अपना लगा पड़ा है ये कुछ ना कुछ शातिरी करने में। ये ऊपर से ले गया है, वहाँ टूल किट में से ले गया है,
ये देखो चश्मिश। तो सीढ़ियों पे पड़ी थी तो तू ऐसी थोड़ी पड़ी हुई थी बेटा, वहां से लेके आया ना आप। तो इसने भी कह रही होगी ना सुबह से लगा पड़ा आज इसी काम में। बिना किसी वजह के कुछ भी काम करने में लगा हुआ ये भाई, और कोई काम तो करने से रहा ये पढ़ाई ना लिखाई करेगा, या तो ये फ्रूटी पिएगा या चिप्स खाएगा। ठीक है, ये उठ पटांग काम करता रहता है, गलत सलत काम। खाने में कोई खाना इसको खाना नहीं है, इसकी मनपसंद की कोई चीज़ हो तो खाएगा, वरना कुछ नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो गाइस लक्की को देखो, कोई पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये लड़का, अभी कुछ और करने लगा। और हमारे बच्चे आ गए स्कूल से घर, और अभी हम कुछ और काम करने वाले हैं जो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं। और ये हमने कुछ मंगाया था मीशो से, जिसको भी हम दिखाएंगे बाद में क्या है ये, और फिर हम बाद में दिखाएंगे आपको। और ये लक्की तो बस यही करता रहेगा। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।